देश में आम बजट पर लोगों की राय। देश में आज आम बजट आने वाला है, इसको लेकर लोगों में काफी आम बजट को लेकर उम्मीदें हैं। इस दौरान आम बजट को लेकर बेगूसराय के युवाओं ने बताया कि आज शाम बजट पेश होने वाला है। आम बजट को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें हैं। इस बार थोड़ी सी आम बजट में जनता को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि लगातार महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि सरकार की कार्यशैली बहुत अच्छी है, इस बार की बजट देश हित में ही होगा। दरमियान लोगों ने बताया कि किसान के लिए सरकार को कुछ अलग सोचना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। पहला प्राथमिकता किसान के हित में बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद आम पब्लिक का जो असर दिख रहा था, वो कमी खल रही थी, वो पूरा किया जाएगा। और जो दाम गैस सिलेंडर पेट्रोल ये सब के क्या उम्मीद रखता, घटेगा बढ़ेगा? और गैस सिलेंडर और पेट्रोल का तो मिनिमम जो रेशियो चल रहा है उस हिसाब से ठीक है अभी। अच्छा ठीक है। हाँ, आम लोगों के बजट मतलब दाल गेहूँ चावल ये सब किसान के लिए, जैसे गेहूँ अभी खरीद हो रहा है अच्छे रेट में, अब की बार खरीद होगा, धान अच्छे रेट पर खरीद हुआ, इस पे बजट पे किसान और पब्लिक दोनों खुश रहेंगे। अब मतलब वो पॉजिटिव है, अगर बजट पेश होने जा रहा है पॉजिटिव में होगा? हाँ पॉजिटिव पेश होने जा रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार। आज सर आम बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं? आम बजट तो बरसों बरस से देखते आए, आज तक कभी भी समाज के दबे कुचले मध्यम वर्ग के लिए किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। जहाँ तक इस भारतवर्ष के अंदर संघीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सिर्फ कुर्सी की राजनीति है, पब्लिक की के लिए कोई भी राजनेता सेवा भाव की कोई भावना ही नहीं रखते हैं। वो अपने खर्च को पूरा करने के लिए बजट बनाते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों को सुने कुछ लाभ मिलने वाला है इस बजट का? वो लाभ नहीं है, उससे दोनों महंगाई का असर होता है, 3% 2% मिलता है, आप 10% 20% साल में महंगाई बढ़ता है। ये क्या बजट दिखावा का सिर्फ रखा जाता है? संपूर्ण रूप से ये दिखावा है, पब्लिक के लिए कहीं से इसमें किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं। क्या नाम हुआ सर? आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीद रखे हैं आप? आम पब्लिक क्या उम्मीद रखे हैं? आज यही उम्मीद करते हैं कि बाज़ार में हर चीज़ सस्ता हो, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गेहूं देखिए 35 रुपए किलो, 38 रुपए किलो आटा बिक रहा है, इसमें गरीब आदमी परेशान है। बजट में यही होना चाहिए कि करूँ तेल का भी रेट घटना चाहिए, किरासन जो भी चीनी का दाम बढ़ा हुआ है, चूड़ा का दाम, मतलब खाने पीने का जो भी सामान है उसका रेट कम होना चाहिए। और जो भी हो आदमी, अभी गरीब आदमी अभी 35-37 रुपये आटा हो, फसल से आदमी परेशान है, और किसान को मदद करना चाहिए। क्या पेट्रोल ये सब ठीक है, गैस सिलेंडर ठीक? पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगा है, अभी हर चीज़ महंगा है। सरकार से यही विनती मैं करता हूं अजय प्रसाद कि हर चीज़ सस्ता करे और गरीब को जीने दे। क्या करते हैं आप? मेरा कपड़ा का दुकान है, सुपर फैशन जी डी कॉलेज के सामने, मैं कपड़ा दुकानदार हूं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय प्रसाद कुशवाहा। आज पब्लिक हर चीज़ महंगाई से इतना परेशान है, त्रस्त है, बस। और लोग खाने पर अभी बहुत आदमी एक पेट खाता है, एक पेट भूखा रहता है, इतना महंगाई हो गया है। मैं सरकार से यही विनती करता हूँ, आज खाने पीने का सामान सस्ता करे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नमस्कार। बजट को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? यह आम बजट जो है वह 2024 के चुनाव को देख करके आज प्रेषित किया जाएगा संसद में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। यह बजट जो है लोक लुभावन होगा, दरअसल इसको महंगाई से बेरोजगारी से इसको कोई मतलब नहीं है। लोगों को दिखाया जाएगा, कुछ वैसे लोग जो हैं, जो बेचारे कर्मचारी हैं जिन पर इनकम टैक्स का लोड जो है
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस इनकम टैक्स में भी हो सकता है कि कुछ क्षणिक संशोधन सरकार के द्वारा किया जाए, लेकिन इस पूरे 2020 से लेकर अब तक जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जिनकी आमदनी 2 गुना और 3 गुना हो गई है, उनके ऊपर सरकार भूल से भी प्रहार नहीं करेगी। इस यह बजट यही होगा। इसे अब 5वीं बार आज इस बार बजट पेश करें, 5वीं बार बजट पेश किया जा रहा है, तो क्या कहते हैं हर बजट से कुछ अलग दिखेगा इस बार? क्या इसमें हर बजट से यह अलग होगा ही, चूँकि 2024 में मोदी सरकार को जनादेश का जो है वह ध्यान देना होगा, और महंगाई से त्रस्त जो आवाम है, जो जनता है, जिनकी संख्या लगभग 90% है, उन लोगों को ठगने के लिए कुछ न कुछ बजट में वैसी बात दिखाई जाएगी जो ऊपर से वो समझेंगे कि राहत है, लेकिन भीतर से उसमें कोई खास बात नहीं होगी इस बजट में। मैंने क्या लगता है आपको, कहने का मतलब कि ठग बजट होने वाला है? यह चुनावी बजट है, जनता को ठगने के लिए अच्छा। ये तमाम काम किए जाएंगे आज के बजट में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार झा, सदस्य बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सदाकत आश्रम पटना। बजट पेश होने जा रहा है, तो इससे आपको मैंने क्या उम्मीद सरकार से रखे हैं? सरकार तो बहुत बढ़िया है, सरकार ठीक ढंग से चला रहा है, महंगाई होगा सरकार क्या करेगा, स्थिति के मुताबिक तो सरकार को चलना है। आपके मुताबिक महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई तो नहीं है। तो इस बार क्या होना चाहिए, और क्या लगता है कि होना चाहिए जो कमी बेसी है? चाहिए रहेगा, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ठीक से चलाएगा, चला रहा है। गैस सिलेंडर के बोल रहे हैं और लोग की महंगा है, उसको सस्ता किया जाए, इस पर क्या बोलेंगे? गैस तो सरकार क्या करेगा, गैस पर तो सारा दुनिया उतर गया है, गैस तो महंगा होना ही है, लोग जितना होगा उतना ही होता है, उसमें कम सरकार करेगा। और खाद्य पदार्थ सब ठीक है, चावल गेहूं दाल ये सब का दाम जो है? ये सब ठीक है, ठीक है। किसान हमारे देश के सभी सुखी संपन्न है, सुखी संपन्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। सरकार से नहीं, सरकार से उम्मीद किया जाता है कि सरकार ठीक ढंग से चला रहे हैं, सही सरकार है, और ठीक करने की उम्मीद रखे हैं, और इससे बेहतर हो, और बेहतर हो। बजट में आज पेश है, किसके लिए ज़्यादा प्राथमिकता देता है, किसको ज़्यादा आज जो थोड़ा बहुत कमी है उसको ठीक किया जाए? किसान के प्रति थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सरकार को, हर तरह हर टाइम में हर चीज़ का सुविधा मिलना चाहिए किसान को। और कर्मचारी जो तो आधारित है, सारा दुनिया किसानों पर चल रहा है, जो सरकारी कर्मचारी है उन लोग का भी शिकायत है, उनको ज़्यादा इनकम टैक्स काटा जाता है, ऐसा कुछ क्या लगता है आपको? उनको कटना ही चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा वेतन है। अच्छा, खर्चा तो कम में है, जितना दरमहा सरकार दे रही है कि खर्च से ज़्यादा, जैसे कि मास्टर लोग हैं उनको 1,00,000 रुपया 70,000 रुपया ले रहा है, इतना तो खर्च हो नहीं रहा, उनको बहुत ज़्यादा दरमहा। बजट में आज मैंने आपको आपके हिसाब से ठीक ठाक है, और थोड़ा बहुत किसान के प्रति होना चाहिए, किसान को प्रति होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राजबली कुंवर। आप किसान हैं? जी, हम किसान हैं।